दिनों पहले मैंने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था, जिस इंटरव्यू में भोजपुरी सिनेमा के बड़े ही हिट एंड फिट अभिनेता राघव नैयर बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री शुभी शर्मा के साथ शानदार हिंदी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस गाने की खासियत बहुत सारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि बॉलीवुड के बहुत ही फेमस सिंगर शान ने इस गाने को गाया और इस गाने की रिकॉर्डिंग एक महंगे बजट के साथ की गई। तमाम आर्टिस्ट को सेट पर बुलाया गया। जी हाँ, और आपको बताएं कि राघव नैयर एक अलग ही रूप में देखने को मिले। शुभी शर्मा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने वीडियो भी इंटरव्यू भी दोनों का शेयर किया है। आप देसी भारत के यूट्यूब चैनल पर जाकर राघव नैयर और शुभी शर्मा का इंटरव्यू देख सकते हैं। अचानक से इस गाने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। ये है फर्स्ट पोस्टर जिसमें बहुत ही शानदार दिख रहे हैं शुभी शर्मा और राघव नैयर। आपको बताएं कि चमेली तेरा वेट करूंगा गाने का टाइटल सॉन्ग है और इस पोस्टर को देखकर लग रहा है कि 19 मार्च 2022 के दिन इस गाने को रिलीज कर दिया जाएगा। आई एम म्यूजिक एंड समर कूल कूलर प्रेजेंट्स ये गाना है और इस गाने को जल्द से जल्द रिलीज करने की जो साजिश है वो रची जा रही है। जी हाँ, ये देखिए ये फर्स्ट पोस्टर है जिसमें हम शान की भी तस्वीर देख पा रहे हैं और थंबनेल पे मैं ये अच्छे से पूरे फोटो को रख दूंगा जहाँ पर आप देख पाएंगे राघव नैयर और शुभी शर्मा का शानदार आगाज, शानदार अंदाज। देखिए मैं आपको बताऊं कि शान के अलावा मन्नू वंदना ने इस गाने को गाया है। राघव नैयर शुभी शर्मा फीचरिंग कर रही हैं और देवेंद्र तिवारी जी डीओपी हैं, जबकि विभांशु तिवारी इस गाने के डायरेक्टर हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी टीम के साथ इस गाने का निर्माण किया जा रहा है, तो आप तैयार हो जाइए पूरा गाना देखने के लिए और इस गाने से जुड़ी जो अपडेट होगी मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। खास बात यह है कि आज के ही दिन राघव नैयर और शुभी शर्मा का एक और इंटरव्यू मेरे चैनल से रिलीज होने वाला है जिसमें खेसारी लाल यादव जी के साथ अक्षरा सिंह की जोड़ी कैसी लगती है इस पर राघव और शुभी ने अपना रिएक्शन दिया है। साथ ही साथ काजल राघवानी नहीं करेंगी एल्बम के सॉन्ग पर भी शुभी शर्मा का और राघव नैयर का रिएक्शन आपको देखने मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार, लेकिन फिलहाल ये पोस्टर आपको कैसा लगा, इस गाने को लेकर क्या चल रहा है, सब सारी चीजें लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।